और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ रागिनी नायक इस समय मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। आंकड़ा अभी का यह है कि बीजेपी 49 हरियाणा में जादुई आंकड़े के पार, कांग्रेस 35 हरियाणा में जादुई आंकड़े से बहुत पीछे। गौरव जी बधाई दे दूं या थोड़ा इंतजार अभी करना चाहेंगे आप? नहीं रोमाना जी, ऐसी जल्दी क्या है, मैं समझता हूं इंतजार करना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम सब रुझान देख रहे हैं और पहले बात करते हैं हरियाणा की और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि हमारी उड़ान कम है, हमें यकीन था पूरा आसमान कम है। दूसरी बात, भारत का लोकतंत्र जैसे विपक्षी LOP राहुल गांधी कहते हैं बहुत ही जीवंत है, बहुत ही मजबूत है और हरियाणा में इतिहास रचा जाएगा। तीसरी बार हैट्रिक होने जा रही है जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ है और इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है जो जनता को जनार्दन मान ले, जो EVM पे ठीकरा ना फोड़े और जो परिणाम आए उसे सराखों पे रखे, ऐसी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा जिसका परिणाम रुझान में सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग केवल एजेंडा की पॉलिटिक्स करते हैं उनको आज पता चल गया होगा कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी ईमानदार हलवाई की दुकान पर बनती है। उस ईमानदारी का प्रतीक है जो मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम करता है। और देखिए आज ये पूछा जाएगा, क्या लोकतंत्र जिसको राहुल गांधी कहते थे मर गया है, खत्म हो गया है, उस पर क्या कहना है? जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, ऐतिहासिक परिणाम क्यों है मैं आपको बताता हूं। हमें पहले हरियाणा पर आपने अपनी बात रख दी तो हरियाणा पर जरा जवाब ले लेती हूँ, फिर जम्मू कश्मीर पर आगे बात कर लेते हैं ना। रागिनी के पास चलते हैं। रागिनी, हरियाणा जो सियासी नब्ज थी लोगों की वो नहीं पकड़ पाई क्या कांग्रेस? देखिए रोमाना, हरियाणा में कांग्रेस को जलेबी मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी का गुड़ गोबर होगा, इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है और रुक जाना चाहिए। और भाटिया जी ने क्योंकि शेर सुनाया तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि भाटिया जी, आपको भी मालूम है हरियाणा की हकीकत, लेकिन कुछ देर के लिए रुझानों में दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो कोई बात नहीं, आप खुश हो जाइए और लड्डू और खा लीजिए और ठीकरा फोड़ दीजिए, पर ऐसा जो रुझानों में जीत आपकी होगी, नतीजों में जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को ही देखें रोमाना, तो 3 से 4% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है। अमूमन आप तमाम और जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं अगर वहां पर भी नजर डालें तो पाएंगी कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम होता है पर सीटें ज्यादा हो जाती हैं। यहां पर वोट शेयर ज्यादा है, 10 से ज्यादा राउंड अभी बड़े हैं, अगर उतना ही वोट शेयर आगे रहा तो कई और सीटें कांग्रेस के खाते में तब्दील होंगी। फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है कि 9 सीटें ऐसी हैं जिनमें वोट का मार्जिन 1000 से भी कम है, तो वहां पासा किसकी तरफ पलटेगा ये सब अभी देखने की बात है। इसलिए मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी जलेबी भी और हार का ठीकरा भी अभी हमने संभाल के रखा हुआ है और वो थोड़ी देर बाद फोड़ना शुरू करेंगे। गौरव भाटिया के पास एक बार चलते हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। गौरव जी, मतलब आप बधाई ले नहीं रहे हो, वहाँ रागिनी जो है, कांग्रेस जो है वो हथियार डालने को तैयार नहीं, वो लगातार कह रहे हैं नहीं हम तो जीती रहे, मैंने तो शुरुआत ही की थी, आप अभी बधाई लेने को भी तैयार नहीं हो, सर हो क्या रहा है? रोमाना जी देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो हमारे लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भी गोबर ओबर की बात करी, मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है, ठीक भी नहीं है। मैंने एक बड़ी बात उठाई, मैंने कहा कुछ भी परिणाम आए और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार तीसरी बार पुनः बनेगी, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। इसके विपरीत मैं आपको याद दिलाता हूँ, रणदीप सुरजेवाला जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि जो भाजपा के लिए मतदान करता है वोटर वो राक्षस है। ये विचारधारा की लड़ाई है और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे संविधान हो और चाहे पहलवान हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं, वहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है। बड़ी विनम्रता से हम लोग इंतज़ार करना पसंद करेंगे, अभी कोई ऐसी हमें टिप्पणी नहीं करनी जिससे कि ये लगे कि अति आत्मविश्वास में जल्दबाजी करी है, लेकिन हाँ मुझे गर्व है इस बात का
कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में अगर कोई पार्टी बदल सकती है जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी, जिसमें विचारधारा की ताकत है, नेतृत्व की ताकत है और काडर की ताकत। बिल्कुल रागनी, तो मानना पड़ेगा ना, ये तो डबल इंजन की सरकार, और मतलब 10 साल का राज, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर रुझानों में ही सही, आप अभी मानने को तैयार नहीं कि नतीजे इसी तरीके के रहेंगे, लेकिन जरा देखिए आप, बहुमत का आंकड़ा 46 और बीजेपी 48 पर है और कांग्रेस 36 पर है, और वो भी कब, जब पूरे चुनाव भर में कांग्रेस की तरफ से पहलवान, किसान, जवान, इन मुद्दों को लेकर इतने जोर शोर से प्रचार किया गया। राहुल गांधी ने वहां विजय संकल्प रैली तक निकाल ली, लेकिन हालत क्या है देखिए। और इस बीच मैं बड़ी खबर दे दूं जरा रागनी, उसके बाद जवाब देंगी, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फिलहाल विदेश में हैं, प्रियंका अभी कुछ दिन के बाद लौटेंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे, और वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार में दिखे थे, लेकिन अभी दोनों जो हैं वो विदेश गए हुए हैं, ये जानकारी है। जी रागनी, आ जाइए। रोमाना, जितने जोश जुनून और जज्बे के साथ आप एंकरिंग कर रही हैं, उसी जोर और शोर और हिम्मत के साथ मैं कहना चाहती हूं कि ये आंकड़े बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि जिस किसान, पहलवान, नौजवान का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनसे वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखिए बड़ी कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने कंफ्यूज्ड हैं। आज तक तो भाजपा बड़ा ही गोबर और गौमूत्र को अपना बताकर बड़े गर्व के साथ दोनों के उपयोग की बात करती थी, आज मैंने गोबर की बात कर दी तो उसमें इन्हें समस्या हो गई। आपसे बधाई ले नहीं रहे हैं, लेकिन अपने गाल जरूर बजा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देखिएगा, एक भी भाजपा के बड़े नेता का हरियाणा में कोई बयान नहीं आया, ये खुद भी नहीं मान रहे हैं कि इनको इतनी सीटें मिल सकती हैं, इसीलिए अभी सब छुपे हुए हैं। वहीं पर आप चाहे हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, अगर वो आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि हमें पूर्ण यकीन है, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा, तो मुझे लगता है उनके आत्मविश्वास को भी कभी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। अभी तो ये है कि जो रुझान है उस पर तूतू मैं हो सकती है, और ऐसा तो नहीं है ना कि इनकी 10 से 12 सीट कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है।